Yo, what's happening guys? My name is Loggy और आज हम एक बारी फिर से खेलने जा रहे हैं Roblox। और आज तो भाई एकदम से नई वाली वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि आज मैं एक बारी फिर से मेन चैनल के ऊपर करने वाला हूँ फेस कैम। तो भाई आज मैं एकदम से एक्साइटेड हूँ और गेम भी आज एकदम से मस्त वाली हम खेल रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर खेल रहे हैं Roblox के अंदर माई रेस्टोरेंट टाइकून। तो चलो शुरू करते हैं। और गेम का फंडा का बहुत ज्यादा सिंपल है, मुझे सिर्फ यहाँ पर Roblox के अंदर खोलना है दी वर्ल्ड बिगेस्ट रेस्टोरेंट। और तेरी आते ही यहाँ पर कितनी ज्यादा पब्लिक आ चुकी है। तो एक काम करते हैं, मैं पहले इन सबको अपनी सीट दिखा देता हूँ। तो आइए आंटी जी, आपकी सीट ये रही। और ओके, अभी आई थिंक यहाँ पर सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं। और अगर मैं सर जी की तरफ एक्चुअली देखूं तो सर जी बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे। ओके, ये दो लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ये एकदम से रेडी हो चुके हैं। तो एक काम करते हैं, पहले मैं इन लोगों का ऑर्डर यहाँ पर ले लेता हूँ। और नाइस, इन लोगों ने यहाँ पर आते ही टाको चूज कर लिया है, इसने भी टाको चूज किया है, और ये टोपी वाले सर जी ने चूज किया है पिज्जा। तो सर जी मैंने आपका ऑर्डर लिख लिया है, आप सिर्फ आराम से यहाँ पर बैठिए, आपका ऑर्डर 5 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। लेट्स गो। एक काम करते हैं, ये जो दो बंदे भी पर बैठे हैं मैं इनका भी ऑर्डर साथ में ले लेता हूं। और ओके नाइस, आते ही मेरे पास यहां पर कितने ज्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो एक काम करते हैं, पहले मुझे सबका ऑर्डर यहां पर बनाना पड़ेगा। तो ओके, मैंने यहां पर दो दो टाकोस तो रख दिए हैं। और यार ये वाला प्रोसेस तो बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है, क्योंकि फिलहाल मेरे पास सिर्फ 2 ओवन्स हैं और 6 बंदों के लिए 2 ओवन, भाई ये तो इनफ होगा ही नहीं। और आई थिंक ओके, ये ऑर्डर तो यहां पर रेडी हो चुका है। तो फिलहाल यहाँ पर ओवन तो फ्री हो चुका है, तो मैं जल्दी से पहले वो दूसरे ऑर्डर यहाँ पर रख लेता हूँ और अभी ले चलते हैं टाको। और ये रहा हमारा रेस्टोरेंट का सबसे पहला ऑर्डर कंप्लीट, लेट्स गो। आते ही हम यहाँ पर कितनी मस्त वाली प्रोग्रेसिंग कर रहे हैं। तो ये वाला टाको भी मैं उठाता हूँ, ये भी मैं दे देता हूँ टोपी वाले सर जी को। और आई थिंक सामने ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये लोग हमारे रेस्टोरेंट के ऊपर एकदम से मस्त वाला रिव्यू छोड़ेंगे, जो मेरे लिए एकदम से परफेक्ट है। क्योंकि ये कौन आ गया, ये भिखारी कहाँ से आ गए भाई? मेरे को तो चाय छोड़ो, मेरे को तो माइक भी नहीं दे रहा, ऐसे ऐसे करके बोलना पड़ रहा। अरे ले लो माइक, ले लो। ए रहने दो, ए सर जी, ये चाय का ढाबा यहाँ पे नहीं है, ये एकदम से 5-स्टार होटल है। यार तो एक काम करो, दही बल्ले से शुरुआत कर ले। ओ तेरी यार है, ये आपको फ्री की चीजें यहाँ पर नहीं मिलेंगी भाई, ये एकदम से लक्जरी। वैसे यार फिलहाल तो लक्जरी रेस्टोरेंट नहीं है, सिर्फ 5 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, ये देखो कोने के अंदर। और नाइस, तो एक काम करो, मेरे को चाय भी दे दे। मोटी टिप यहाँ पर छोड़िए, मैं पहले टिप उठा लेता हूँ। नाइस, $20 की टिप। और इस सर जी ने क्या छोड़ा, इसने भी $20 की टिप यहाँ पर छोड़ी है, लेट्स गो। और फिलहाल अगर मैं पैसे की तरफ देखूं तो पूरे $400 मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। वाह, तूने $400 कैसे कमा लिए मैन? देखा, और ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी 2 और बंदे भी आ चुके हैं, तो मैं इनको भी सीट यहाँ पर दिखा देता हूँ। चपाती भाई हट जाओ भाई, ये इन लोगों का टेबल है। यहाँ से भी थोड़े बहुत ये डिशेज उठा लेता हूँ, और ये वाली प्लेट भी उठा कर मुझे जल्दी से डाल दी है यहाँ पर सिंक के अंदर। और यार मेरा काम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मैं पहले इन लोगों का ऑर्डर भी मुझे लेना है, ये नए बंदे आए हैं मुझे इनकी सीट भी इनको यहाँ पर दिखा है, और मुझे ये टेबल से ये झूठी प्लेटें भी उठानी है, और इनको भी ये वॉशिंग मशीन में मार दिया यहाँ पे। भाई तू तो कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है यार। वही तो यार। और ये देखो भाई, एक और बंदा यहाँ पर आ चुका है यार, यहाँ पर काम ओवरलोड यहाँ पर हो चुका है काम। तो ओके, एक काम करते हैं, मुझे फिलहाल जल्दी से ये लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, इनका ऑर्डर मुझे पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये जो झूठी प्लेटें हैं इनको भी मुझे मारना है यहाँ पे। चपाती भाई एक काम करो भाई, बर्तन मांझ लो यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि मैं तेरे रेस्टोरेंट के अंदर काम कर सकता हूँ। अरे यार कोई बात नहीं, अब बच गए यार, नहीं तो मैं आपको बड़ी खतरनाक जॉब अभी देने ही वाला था। मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ वहाँ, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा। आई डोंट थिंक क्या, ओ ये कौन सा, ये एलियन का, एलियन कहाँ से, ये एस्ट्रोनॉट कहाँ से आ गए हो? मैं निकल रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, मुझे लगता है ये एकदम से मोटा ऑर्डर यहाँ पर देगा, ये तेरे को लेके जाएगा साथ में। ये लगता है मेरा रेस्टोरेंट खरीदने आया है। ओके यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे रेस्टोरेंट के अंदर यहाँ पर एलियंस भी आ सकते हैं। और मैंने अभी नोटिस किया लेफ्ट साइड पे यहाँ पर एक इवेंट भी शुरू होने वाला है, तो हम इवेंट भी यहाँ पर करेंगे। और ओके, एलियन वाले सर जी को यहाँ पर बर्गर चाहिए। मुझे लगा यार कोई मोटा ऑर्डर यहाँ पर करेगा यार, मुझे लगा भाई इसका साइज देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये एटलीस्ट 5-6 बंदे की रोटी एक साथ खाने वाला है, लेकिन इसने सिर्फ बर्गर यहाँ पर ऑर्डर किया है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इसका चीज बर्गर भी यहाँ पर तैयार होने ही वाला है, तो मैं यहाँ से पहले उठा लेता हूँ, अगला ऑर्डर भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तैयार, और इन वाले सर जी को मैं अपना पिज्जा भी यहाँ पर दे देता हूँ। अरे यार यहाँ पर प्लेटें भी अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई हैं, तो मैं इनको भी उठाकर यहाँ पर डाल लेता हूँ। आइए आइए सर जी, वेलकम टू माय रेस्टोरेंट। भाई हमारा रेस्टोरेंट तो यहाँ पर वाकई बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा है यार। फिलहाल
खोलने पर ही मेरे पास यहाँ पर कितने ज्यादा कस्टमर आ चुके हैं और ओके अभी इसका बर्गर भी यहाँ पर रेडी हो चुका है, तो मैं इसको बर्गर यहाँ पर दे देता हूँ। पता नहीं ये कैसे खा रहा है यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, वो बर्गर हाथ से खाए, फोर्क से खाए, चम्मच से खाए, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे एकदम से बड़ी वाली टिप देगा, तो मेरे लिए एकदम से सही है। कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। और एक काम करते हैं, फिलहाल मेरे पास यहाँ पर पैसा तो काफी आ चुका है, $500 तो मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपने लिए थोड़ा सा स्टाफ यहाँ पर खरीद लूँ। तो ओके, यहाँ पर एक्चुअली हमारे कस्टमर भी बढ़ चुके हैं, तो मुझे यहाँ पर वेटर्स की जरूरत पड़ेगी, और साथ में खाना बनाने में थोड़ा बहुत हेल्प भी मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्रेस्टन को हायर कर लेता हूँ। नाइस। और कहां पर है भाई मेरे दो बंदे? ओके, ये रहे। तो बिल्कुल मेरे सामने प्रेस्टन भी आ चुका है, ये यहां पर चेक कर रहा है कि किसने कौन सी चीज यहां पर ऑर्डर की है। और फिलहाल मैं आंटी जी को यहां पर ये पास्ता भी दे देता हूं। और नाइस, आइए। और तेरी यार ये तो भाग गया यहां पे। और वो भाई साहब $2500 उसने टिप यहां पर दी। लेट्स गो। एलियन ने, भाई एलियन ने मुझे $2400 यहाँ पर दिए यार, एक सब्सक्राइब बनता है एलियन के लिए। भाई हेलो, $2500 उसने ऐसे ही दे दिए एक बर्गर के लिए। भाई साहब इतने तो मैंने टोटल में नहीं कमाए हैं, जिससे मुझे इसने टिप में दे दिए। वो इतने मैंने जिंदगी में कभी रोबक्स नहीं देखे। चेक करके देखो, दिए देखो, टोटल कैश मेरा अंडर $2800 और उसमें से $2400 तो सिर्फ उसकी टिप थी। इसका मतलब ये है कि फिलहाल मैंने सिर्फ $400 यहाँ पर कमाए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हमारा रेस्टोरेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा है, और इस सर जी की टिप की मदद से मैं अपना रेस्टोरेंट और ज्यादा अपग्रेड यहाँ पर कर पाऊंगा। तो एक काम करते हैं, $600 का मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं यहाँ पर एक रेगुलर स्टोव खरीद लूँ। और एक काम करते हैं, चलो एक सस्ते वाला भी यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि फिलहाल हमारा बजट इतना ज्यादा यहाँ पर नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टोव्स चाहिए, क्योंकि यार हमारा रेस्टोरेंट की ट्रैफिक यहाँ पर एक्चुअली काफी ज्यादा बढ़ रही है। और ट्रैफिक से याद आया यार, अगर मुझे यहाँ पर और ज्यादा बंदे चाहिए तो मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत टेबल्स भी रखने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, शॉप यहाँ पर खोलते हैं, और यहाँ पर मैं कौन सा टेबल खरीद सकता हूँ? एक काम करते हैं, पहले मैं ये एक वॉश बेसिन भी अपने लिए खरीद लेता हूँ। और ओके, ये रहे। तो फिलहाल मेरे पास इतना बड़ा बजट तो नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी बहुत कुर्सियां यहाँ पे खरीद लेता हूँ चीप वाली, और थोड़े से टेबल भी ले लेते हैं। और लेट्स गो, मेरा क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है और उससे मुझे मिले $500। हमारा बिजनेस तो वाकई यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा है। तो एक काम करते हैं, एक दो टेबल यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, एक टेबल जाएगा बिल्कुल यहाँ पे। और तेरी यार ये मैंने सही से सीक्वेंस में तो लगाया ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, उसको मैं फिर से बाद में मैं यहाँ पर ठीक कर लूंगा। एक कुर्सी लगाओ यहाँ पे, एक जाएगी यहाँ पे। और ओके, मुझे यहाँ पर एक्चुअली दो कुर्सियां और भी यहाँ पर चाहिए, तो मैं दो कुर्सियां यहाँ पे खरीद लेता हूँ और इसको लगाओ यहाँ पे। और देयर वी गो, अभी हमारे रेस्टोरेंट के अंदर और ज्यादा आइटम्स भी यहाँ पर आ चुकी हैं और ज्यादा बैठने की जगह भी यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा रेस्टोरेंट और ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाए? तो मैंने यहाँ पर वॉश बेसिन खरीद के रखा था, जो कहाँ गया? अगर मैं अप्लायंस के अंदर देखूँ तो ये रहा हमारा वॉश बेसिन। इसको मैं बिल्कुल ऐसे मिडिल में लगा लेता हूँ, एकदम से परफेक्ट लग रहा है। वैसे यार मुझे यहाँ पर लगाना था, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, लेकिन ये पूरी जगह मैं बाद में यहाँ पर रिवैम्प कर लूंगा। और अगर मैं एक्चुअली यहाँ पर स्क्रॉल आउट करके देखूँ तो यार मेरा रेस्टोरेंट फिलहाल तो यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटा है। अगर मैं बाहर यहाँ पर जाके देखूँ और अभी स्क्रॉल आउट करके देखूँ तो तेरी यार आसपास देख रहे हो कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट यहाँ पर बने हुए हैं। और आई थिंक फिलहाल यहाँ पर पूरी सिटी के अंदर सबसे छोटा रेस्टोरेंट मेरे पास है और सबसे बड़े वाला मेरे पास। ये रहने दो भाई, आपके पास इतना बड़ा रेस्टोरेंट हो ही नहीं सकता। मैं बता, मैं सिर्फ एक्सक्लूसिव डिलीवरी कर रहा हूँ, वो भी एलियंस को। और मेरे को काम करने की जरूरत ही नहीं है, रहने दो, मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। ये तेरे यार रेस्टोरेंट के अंदर लगी हुई है गोल्डन रैमजी, बहुत बड़े बड़े शेफ लगे हैं काम कर बर्तन मांजने के लिए। रहने दो भाई, आप तो गेम में भी नहीं हो। किस टॉपिक के अंदर आ चुका हूँ ब्रो? अच्छा, दूसरी लॉबी के अंदर आ चुके हैं। और चपाती भाई के पास इतना पैसा आ चुका है कि वो इस लॉबी के लायक ही नहीं है भाई, रिच वाली लॉबी के अंदर जा चुकी हैं। वीआईपी लॉबी बोलने का भाई। हाँ हाँ, वीआईपी वाली लॉबी। यार आप तो बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मैं भी यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर तो आ चुका हूँ, तो मैं भी अपने लिए थोड़ी बहुत और चीजें खरीद सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत और स्टाफ खरीद लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर ये और ज्यादा सीटिंग एरिया भी खरीद लिया है, तो वर्कलोड यहाँ पर थोड़ा बहुत और ज्यादा बढ़ चुका है, तो मुझे यहाँ पर और ज्यादा स्टाफ की जरूरत भी पड़ेगी। और मुझे ओ तेरी यार, अगर मैं ऑर्डर्स की तरफ देखूँ तो ये देखो यार हमारे पास यहाँ पर कितने ज्यादा ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। अंडे कौन मंगा रहा है? अरे भाई हमारे अंडे यहाँ पर वर्ल्ड फेमस हैं। अरे अंडे मंगा रहा था यार, वो बड़ा नहीं है यार।
और देख रहा हूँ चार्ट बोर्ड के ऊपर लॉगी का रेस्टोरेंट भी जो है कुछ ज्यादा तरक्की कर रहा है। लेट्स गो। वही तो यार, अगर मैं एक्चुअली टोटल इनकम की तरफ देखूं तो मैं पर आवर 9,000 भाई साहब $11,000 कमा तो रहा हूँ, लेकिन जा कहाँ रहे हैं ये? मुझे तो मिल भी नहीं रहे हैं, मुझे तो मिल भी नहीं रहे हैं यार। और ओके एक्चुअली ये देखो यहाँ पर तो एक्चुअली क्वेस्ट भी बने हुए हैं जो मैंने देखे ही नहीं। तो एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर चलते हैं इवेंट सेक्शन के अंदर। और यहाँ तेरी ये कौन है ओए? ओ ये कैसा स्नोमैन है बिना पैर वाला चल के जा रहा है? एक काम करते हैं चलो इसके साथ बात करके देखते हैं। हेलो सर जी, ये बोल रहा है कि ये मुझे देगा 5 टास्क। ओके अगर मैं देखूँ तो पहला टास्क है तेरा अर्न $50,000। तेरी यार ओ ये कैसा टास्क है ओए? ये कैसा स्टार्टिंग वाला टास्क है अर्न $50,000? यार ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। और अगर मैं काउंटर के ऊपर देखूं तो फिलहाल ये बोल रहा है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर 26 रुपए यहाँ पर मैंने कमाए हैं। ये स्नोमैन तो मुझे सही यहाँ पर ट्रोल कर रहा है, लेकिन इसने मुझे बोल के रखा है कि अगर मैंने $50,000 कमा लिए तो ये साथ में मुझे देगा $100,000। मतलब कि इनकम एकदम से डबल, ये एकदम से सही है यार। तो एक काम करते हैं, मुझे यहाँ पर सिर्फ मेहनत करनी है ताकि मेरे पास भी यहाँ पर $50,000 आ जाएं। और ये कैसा स्नोमैन है यहाँ पे? हेलो, मैं तेरे साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ क्या? अच्छा ऐसे ही लगा हुआ है। ऑब्वियसली भाई यहाँ पर 2024 चढ़ाया है, लेकिन ये लोग अभी तक यहाँ पर क्रिसमस की स्पिरिट के अंदर गेम खेल रहे हैं। वैसे सही है क्योंकि इसमें मेरा ही फायदा है, क्योंकि इससे अभी मुझे यहाँ पर $100,000 भी मिलने वाले हैं। लेकिन $100,000 कमाने के लिए पहले मुझे यहाँ पर ऑब्वियसली $50,000 भी कमाने पड़ेंगे। और आई थिंक अंदर यहाँ पर और ज्यादा चीजें थी जो मैंने मिस कर दी। वो देखो अंदर एक्चुअली कोई खतरनाक आइटम्स पड़ी हुई हैं। तो अभी अगर मैं जल्दी से वहाँ पर जाके देखूँ तो यहाँ पर कौन सी चीजें चल रही हैं? अरे सर जी यार, मैंने तेरा टास्क मैं कर रहा हूँ, तू टेंशन मत कर, मैं कर रहा हूँ। और ये कैसी चीज है ओए? आई थिंक मैं बाहर से अपना रेस्टोरेंट एक्चुअली कस्टमाइज कर सकता हूँ, लेकिन इसकी प्राइसें देख रहे हो, 8 लाख, 7 मिलियन, 3 मिलियन, 66 मिलियन। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा है, ये मुझे नहीं खरीदना। और अगर मैं एक्चुअली यहाँ पर आसपास देखूँ तो और कौन सी चीजें हैं यहाँ पर? अरे नाइस, यहाँ पर डेली रिवॉर्ड है। चलो मैं डेली रिवॉर्ड, अरे अभी ये मेरा डेली रिवॉर्ड यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है और मुझे $9,000 मिले, ये एकदम से सही। और अरे ए ये देखो भाई, ये तो वही वाला एलियन है चपाती भाई, ये देखो मुझे, ये देखो यहाँ पर एलियन मिल गया। और मैं इसका यहाँ पर, ये देखो मैं इसका एक्चुअली यूएफओ वाला टेबल भी खरीद सकता हूँ, लेकिन यूएफओ वाला टेबल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। कितने का आता है भाई? यूएफओ का सिर्फ एक टेबल आता है $840,000 का। लेकिन वो अगर एलियन वाला बंदे आएंगे ना यूएफओ वाला टेबल के ऊपर बैठेंगे तो तेरे को एक्स्ट्रा ट्रिप ही मिलेगी। ओ ये भाई, लास्ट वाले यूएफओ वाले एलियन ने तो मुझे $2,400 दिए थे। तो वही मैं कह रहा हूँ, आई थिंक बेटर इन्वेस्टमेंट यही होगी कि हम यहाँ यूएफओ के अंदर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करें मोटा माल कमाने के लिए। ब्रो तेरे को मोटा माल इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन भाई उसके लिए मोटा माल होना भी जरूरी है भाई, मेरे पास तो मोटा माल है ही नहीं फिलहाल यहाँ पे। लेकिन मैंने क्या कर रहे हो, इतना सच नहीं बोलते वीडियो के अंदर, ठीक है? अरे भाई मैं गेम की बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में नहीं। चल आगे बढ़। ओके तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, हेल्थ क्या है यहाँ पर जो लगी हुई है? अरे वो उनके लेवल है भाई, हेल्थ नहीं है। ये देखो ये डेविड यहाँ पर पहुंच चुका है लेवल 3 के ऊपर। पहले जब इससे शुरुआत की थी तो ये था लेवल 1 पे। तो एक्चुअली ये हमारा रेस्टोरेंट अभी यहाँ पर समझ रहा है, सबसे वफादार बंदा यही है हमारा। और मैंने ऑल्सो नोटिस किया है कि लेवल 2 जाने के बाद मैं ऑल्सो यहाँ पर एक नई फ्लोर भी खरीद सकता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं यहाँ पर नई फ्लोर खरीद लूँ। लेकिन हैंग ऑन अ सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर हमारा सेंटा का इवेंट यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो मुझे सेंटा का इवेंट भी यहाँ पर ज्वाइन करना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंटा वाले इवेंट से मुझे कोई मोटी प्राइज यहाँ पर मिलेगी। ओके सेंटा तेरे को लूट ले भाई, यहाँ पर लिखा है गो आउटसाइड लुक अप इट्स सेंटा। किधर आओ सेंटा, ऊपर से आई थिंक यहाँ पर गिफ्ट फेंकने वाला है क्या? ऊपर से निकल गया ऊपर से निकल गया किधर आ रहा है? ज़ूम आउट करना, पूरा ज़ूम आउट कर। अरे पूरा ज़ूम आउट मैंने यहाँ पर कर लिया। एक काम करता है यहाँ पर मैं वेट करता। अरे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऊपर से अभी गिफ्ट फेंकेगा क्या? आई डोंट नो, सेंटा से ऊपर फेंकेगा यार। अरे ऊपर से एयर ड्रॉप फेंक रहा है। जब पहले ये वाला गिफ्ट में यहाँ पर पकड़ ले तो, अरे भाई यहाँ पर कितनी ज्यादा बंदे आ चुके हैं। यू गॉट डबल प्रॉफिट फॉर 30 मिनट्स, लेट्स गो। अरे ये देखो सामने एक और भी गिर रहा है। कमन 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 कमन, इससे पहले कि कोई और ले ले पहले मुझे ये गिफ्ट लेना पड़ेगा। यार मैंने सुना था कि सांता जी चिमनी से आते हैं, ये तो ऊपर से फेंक रहे हैं यार। तो यू गॉट लेट्स गो भाई, मुझे आल्सो यहां पर रश आवर भी मिल गया। अरे भाई दो गिफ्ट तो अपने पास भी आ चुके हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? और एक और बारी मेरे पास रश आवर आ चुका है,
बिल्कुल सामने पड़ा है एक और गिफ्ट। अरे आंटी जी, अरे लेट्स गो, एक सामने पड़ा, मैंने एंड मौके पे सिलेक्ट कर लिया है और मुझे मिला $25,000। और कम ऑन भाई, ये ट्री के अंदर से यहाँ पर घुस के मुझे जाना पड़ेगा। वो वाला गिफ्ट किसी ने भी नहीं देखा, ये वाला क्या, या कोई भी नहीं जा रहा यहाँ पर। इधर है भाई, ये रहा। अगर मैं उठा के देखूं तो एक बार फिर से रश आवर मेरे पास आ चुका है, वो भी 30 मिनट्स के लिए। ये रश आवर है क्या? अरे भाई, इससे मेरी ऐसे भाई हमारे रेस्टोरेंट का ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाएगा। लेकिन फायदा, तू तो सर्टेन अमाउंट बंदे ही जो सर्व कर सकता है। अरे मतलब लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पर $36,000 भी तो आ चुके हैं ना, तो इससे मैं और ज्यादा सीटिंग खरीदूंगा। और एक काम करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए एक और फ्लोर भी खरीद लूँ। भाई तू तो बिजनेस वाला बंदा बन चुका है यार। एक सेकंड भाई, यहाँ पर मुझे सरजी ने ट्रेड भेजी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी मुझे मोटा माल देने वाला है। तेरे से मोटा माल कहीं ले ना ले, तेरी ये मुझे व्हील दे रहा है। चलो ले लेते हैं भाई, पेट्स होते हैं, हमको पता भी नहीं था। पेट्स नहीं है भाई, ये डेकोरेशन है। अच्छा, ट्रेड कैंसिल कर दी भाई इसने, उसने बस तेरे को व्हील दिखाई, फ्लैक्स किया और फ्लैक्स किया। भाई सही ट्रोल हो गए यार हम तो। और अगला इवेंट शुरू होने वाला है 1 घंटे बाद, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं खरीद लेता हूँ अगली फ्लोर। तो अभी अगर मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट करके देखूँ तो पूरा यार, ये तो पूरी जगह यहाँ पर खाली हो चुकी है। चलो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरे पास यहाँ पर थोड़ा सा पैसा तो आ चुका है, तो थोड़ी बहुत ऐसी स्पेशल चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत ये लाल चीटें यहाँ पर खरीद लेते हैं। एक काम कर, ये टिक्की चेयर क्या है? चलो भाई, थोड़ी बहुत टिक्की वाली कुर्सियां भी खरीद लेते हैं। भाई इस चेयर के ऊपर बैठ के तेरे को आलू की टिक्की मंगानी पड़ेगी। हाँ। और साथ में मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत टेबल भी खरीदनी है, ये रेट्रो वाली लुक मुझे एकदम से पसंद आ रही है, तो थोड़े बहुत रेट्रो टेबल यहाँ पर खरीद लेते हैं। थोड़े बहुत एक काम करते हैं, ये लकड़ी वाले भी खरीद लेते हैं, ये एकदम से मॉडर्न वाली लुक देंगे हमारे रेस्टोरेंट के अंदर। और ओके, अभी हमारे पास ये रेड बूथियाँ आ चुकी हैं, और ये एक्चुअली दीवार के पास बहुत ज़्यादा मस्त लगती हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर 3 ऐसे लगा लेता हूँ, और अभी अगर मैं इनको ऐसे मोड़ के देखूँ तो मुझे ऐसे भी लगानी चाहिए। अच्छा, ख़त्म हो गई। क्लासरूम बना रहा क्या? क्लासरूम नहीं है भाई। चलो एक काम करते, इनको मैं फिलहाल छोड़ लेता हूँ, और इनके बिल्कुल सामने मुझे ऐसे 3 टेबल भी लगाने पड़ेंगे। और अरे यार, ये मैंने कैसे रख दिया, इसको मुझे पहले उठाना पड़ेगा। और थोड़े बहुत टेबल्स में एक काम करते हैं, ऐसे मिडल में भी लगा लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, एक टेबल लगा लेता हूँ यहाँ पे, तो ये होगा ऑब्वियसली टेबल फॉर टू। और एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा बंदे रेजर्वेशन, एक्चुअली मुझे फ़ोन पे बोलते कि टेबल फॉर वन भी बनाओ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर टेबल फॉर वन कैसे बनाऊँगा। तो मेरे पास यहाँ पर लकड़ी वाले काउंटर्स तो है, तो एक काम करते हैं, थोड़े बहुत लकड़ी वाले काउंटर भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो एकदम से ऐसे बार वाली फीलिंग भी आएगी यहाँ पे। तो एक मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ये कैसे टेबल यहाँ पर आ चुके हैं यार, ऐसे कर्व्ड वाले, आई थिंक ये मुझे ऐसे लगाने पड़ेंगे। ओ, ये सही लग रहा है यार। तो मैं एक यहाँ पर लगा लेता हूँ, लेकिन मुझे मैंने नोटिस किया है कि इस टेबल्स के लिए मुझे ऐसे वो स्टूल वाले टेबल चाहिए होते हैं यार, स्टूल वाली सीटिंग। और नाइस, ऊपर भी बंदे आ रहे हैं भाई, लेट्स गो। रेस्टोरेंट खुला नहीं, पहले भिखारी आ गया। ये भिखारी नहीं है भाई, हमारे कस्टमर्स हैं, कैसे बात कर रहे हो। ओके, तो मैं थोड़ी बहुत सीटिंग यहाँ पर भी ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ पर भी लगाओ, यहाँ पर भी लगाओ। अरे यार, मैंने बीच में गलती से कुर्सी रख ली। तो एक काम करते हैं, पहले मुझे ये वाली यहाँ से उठानी पड़ेगी, और मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा टेबल यहाँ पर बनाते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर पिकअप कर लेता हूँ। अभी अगर मैं ये वाला टेबल ऐसे लगाऊं, तो एक काम करते हैं, इसके चारों ओर यहाँ पर ऐसे सीटिंग रख लेते हैं। और अरे यार, एक कुर्सी भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। एक काम करते हैं, पहले मुझे यहाँ पर एक और टिक्की वाली चेयर खरीदनी पड़ेगी, और ऑल्सो मुझे यहाँ पर अरे ज़रा मुझे देखते दो कि मैं और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर क्या खरीद सकता हूँ। तो मैंने टेबल तो देख लिए, अरे ऑर्डर स्टैंड, एक काम करते चलो एक ऑर्डर स्टैंड ले लेते हैं, और साथ में एक गम्बॉल मशीन भी ले लेते हैं। और नीचे मैं यहाँ पर कारपेट भी रख सकता हूँ, और थोड़े बहुत ऐसे प्लांट्स भी रख सकता हूँ, और डेकोरेशन भी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। भाई ऑप्शन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं हमारे रेस्टोरेंट के अंदर। तो एक काम करते हैं, थोड़े बहुत यहाँ पर ऐसे प्लांट्स भी खरीद लेते हैं। पैसा तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा है भाई, सेंटर ने हमारी बहुत मोटी मदद यहाँ पर की है। तो एक काम करते हैं, 2-3 प्लांट्स मैं ऐसे कोने में लगा देता हूँ। अब भी हमारा रेस्टोरेंट एकदम से मस्त लग रहा है। और एक काम करते हैं, जो मैंने टिक्की वाली कुर्सी भी खरीद के रखी थी, ये भी मुझे बिल्कुल यहाँ पर लगानी है। और मुझे ऑल्सो सेकंड फ्लोर के लिए भी थोड़ा बहुत ऐसे स्टाफ भी खरीदना पड़ेगा। तो एक काम करता है, लेसी को भी यहाँ पर खरीद लेते हैं, और जॉश को भी यहाँ पर खरीद लेते हैं। नाइस, और पैसा तो है, तो चलो भाई एक और वेटर भी यहाँ पर खरीद लेते हैं। और तेरी यार, यहाँ पर आते कितने ज़्यादा ऑर्डर आ चुके हैं। तो एक काम करते हैं, मैं पहले यहाँ पर सबका ऑर्डर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और नीचे जाने से पहले मुझे ऑब्वियसली ये स्टूल्स भी यहाँ पर खरीदने हैं, जो मुझे बिल्कुल लगाने हैं यहाँ पे। और ये वाला सेक्शन कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है यार, ऐसे बिल्कुल विंडो के सामने। अगर मैं व्यू देखूँ तो इतना खास व्यू तो नहीं है बाहर, वैसे यार सामने वाटरफॉल तो बना हुआ है, तो ये वाला व्यू एक्चुअली ऑलराइट है। और
फिलहाल हमारा रेस्टोरेंट यहाँ पर वाकई बहुत ज्यादा मस्त कर रहा है। अगर मैं अपने क्वेस्ट की तरफ देखूं तो पूरे $1700 मैंने यहाँ पर कमा लिए हैं, और अगर मैं नीचे जाके देखूं तो नीचे वाली प्रोग्रेस कैसे चल रही है, नाइस। नीचे भी हमारा पूरा रेस्टोरेंट यहाँ पर एकदम से भरा हुआ है। और एक काम करते हैं, ये जो प्लेट मेरे हाथ के अंदर आ चुकी है इसको मैं सीधा सिंक में मार लेता हूँ। और ऑर्डर की तरफ देख रहे हो यार, कितने सारे ऑर्डर हमारे पास अभी तक पेंडिंग है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर स्पीडअप करने के लिए मुझे थोड़े बहुत और स्टोव यहाँ पर खरीदने ही पड़ेंगे। तो इसको भी लगाओ यहाँ पे, ये भी जाएगा यहाँ पे। और यार हमारी यहाँ पर भाई स्टोव रखने की जगह भी यहाँ पर खत्म होने को आ रही है, तो आई थिंक इसको मुझे थोड़ा सा अपग्रेड भी करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिए हैं, और इसी के साथ ही मेरा रेस्टोरेंट यहाँ पर एकदम से मस्त लग रहा है। और गाइस, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलेगा। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।